जन आशीर्वाद महासभा के माध्यम से चिराग पासवान वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज में आज एक बड़ी आम सभा कर रहे हैं और इसके माध्यम से एनडीए को भी वो संदेश देना चाहते हैं कि वैशाली और तमाम जगहों पर जिन सीटों पर वो मांग कर रहे हैं, जिनकी उनकी दावेदारी है, उन जगहों पर उनकी अच्छी पकड़ है, पूरी तैयारी है। और एक बात अलग देखने को मिल रही है कि जितने नेता टिकट के दावेदार वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एनडीए में थे, उन तमाम नेताओं को चिराग पासवान ने एक मंच पर लाकर के पार्टी के गाइडलाइन को पालन कराया है। लेकिन बैनर पोस्टर के माध्यम से स्थानीय सांसद एलजेपी की जो है बीना सिंह देवी हो या बिनिता विजय हो जो पार्टी में आई हैं, संजय सिंह हो, इंजीनियर रविंद्र हो, जैसे तमाम टिकट के दावेदारों के समर्थक अपने हाथों में अपने अपने नेता के बैनर और पोस्टर लगाए हुए हैं ताकि चिराग पासवान तक के मैसेज जा सके कि अमुक नेता की दावेदारी प्रमुख है, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। इस मैसेज के साथ तमाम नेता अपने अपने समर्थकों के साथ आए हुए हैं। चिराग पासवान कुछ देर में आने वाले हैं, हालांकि अब पूरी तरह से मैदान भर चुका है और साहेबगंज वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज से चिराग पासवान जन आशीर्वाद महासभा कर रहे हैं और आज इस महासभा के माध्यम से चिराग पासवान एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। एनडीए पर भी जो दबाव है कि 6 सीट से कम नहीं, तो वह मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी समर्थक पूरी तैयारी है, मेरे साथ बड़ा समर्थन है, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर के इस आम सभा के माध्यम से चिराग पासवान और उनके पार्टी के अंदर कई लोग टिकट के दावेदार हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं। मिलाओ से मणिभूषण शर्मा।